हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये आशीर्वाद के वजह से मैं आया हूँ और ऐसे कोरोना को ऐसा मैं भगा के आया हूँ। अभी 4 दिन के अंदर ये साउथ मुंबई में पहला पेशेंट है कि मैं रिटर्न आया हूँ। हेलो हेलो नितिन भाई। हाँ सलीम भाई बोलो। नितिन भाई सलीम बोल रहा। नमस्ते नमस्ते नितिन भाई। टाइगर इज बैक, टाइगर इज बैक। 4 दिन में आपने कोरोना वायरस को जो है हरा के वापस अपने घर पे आया, जरा हम जानना चाहते हैं। और आपका वो वीडियो देखे हमने, जो इतना इंस्पिरेशनल वीडियो आपने कहा कि मैंने 4 दिन में एक इतनी बड़ी बीमारी को हरा के वापस आया। और बहुत सारे लोग भी अगर आपकी वीडियो देखे तो शायद उनको भी थोड़ा थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन मिले इस चीज में, तो बताएंगे जरा तुम्हारा सफर बताएंगे नितिन भाई। एक्चुअली ये जो हुआ वो मेरे को ही मालूम नहीं पड़ रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। लेकिन सब हमारे दोस्त लोग हैं, सब जो गरीब लोग हैं इनको मैं खाना बांट रहा था सुबह शाम के साथ में। मेरे सब सब यानी सब परिवार है मेरा, मम्मी पापा का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है। ये सब आशीर्वादों से ही मैं यहाँ आ पाया जल्दी। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही। आशीर्वाद के साथ साथ आपका मनोबल जो है ना, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो हमने जब वीडियो में देखा ना तो उससे लगा कि हाँ कोई भी अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो कोविड को हरा सकता। हम जानना चाहते हैं कि आपको ये बीमारी ये जो है कांटेक्ट में कैसे आया, कुछ ऐसा कुछ अजम्पशन हुआ? नहीं मुझे भी नहीं पता चला कुछ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को थोड़ा सा ना बुखार के जैसा हुआ था और खांसी आ रहा था, तो मैंने डॉक्टर से 21 तारीख से चालू किया था। हाँ तो दवा से तो मेरे को 2 दिन में अच्छा हो गया, लेकिन बोला चलो कंटिन्यू चालू रखेंगे 2-2 दिन का। तो ये वाल पकड़ी जो दवाखाना है अपना बीएमसी का डोंगरी पे, हाँ तो उधर 4 से 11 बजे तक वो शिव कुमार करके है डॉक्टर, MBBS डीजे के डॉक्टर है, उधर बैठा है। तो उनके पास से मैं वो चल रहा था, तो वो मेरे को बोले ठीक है तो आप एक काम करो, मलेरिया टाइफॉइड का CBC आप चेक करो। चेक किया तो नॉर्मल आया, तो नॉर्मल आया तो दूसरा दिन थोड़ा सा बुखार के जैसा अंदर के अंदर मेरे को लग रहा था, वापस ले गया। तो बोले एक काम करो ये आपको ना वापस करो, क्योंकि मलेरिया टाइफॉइड का चल रहा है अभी बार बार, लेकिन वो अभी जल्दी नहीं मिल पाता है तो अपन वापस करेंगे। मैं बोला ठीक है वाना नहीं, तो वापस मैंने किया तो वापस नॉर्मल आ गया। तो नॉर्मल आया तो ये तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। तो उस टाइम आपने कोविड टेस्ट नहीं कराया था, पहले वो करवाया? हाँ मेरे को जैसा उन्होंने बोला वैसे ही मैंने किया, क्योंकि वो फिर बाद में भाभी मेरे को बोले अभी आपने दोनों किए हैं तो अभी ये भी करवा लो, कोविड का भी करवा लो। तो मैंने डॉक्टर से बोला, मैं बोला सर ऐसा ऐसा है तो कोविड का मेरे को करना है। तो बोले यार तुम्हारे में सिम्टम ही नहीं दिख रहे लेकिन बीच में, तो मैं बोला ठीक है। तो मैंने प्राइवेट खुद कैरियर को बुला के उनको ऑनलाइन से पैसा भर के मैंने खुद करवा लिया। थायरोकेयर ने, हाँ थायरोकेयर को मैंने ऑनलाइन पैसा भेज के 4,500 रुपया और उनसे वो मैंने करवा लिया। जब मेरे को 30 तारीख को दोपहर में मालूम पड़ा 2 बजे कि बीएमसी से फोन आया कि ऐसे ऐसे आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया कर। अच्छा तो यानी रिपोर्ट आपको भी नहीं दिया लोग ने? रिपोर्ट नहीं दिया क्योंकि पैसा महीने भरने के बाद भी मेरे एक रिपोर्ट ठीक है बीएमसी को दिया वाना नहीं, लेकिन एक रिपोर्ट मेरे को भी देना चाहिए वो भी नहीं दिया। मेरे चलो जान दो तो अभी हो गया और परसों की दिन बराबर। अच्छा ये जब आपके हाथ में रिपोर्ट आई तो आपको सिम्टम्स कुछ था नितिन जी? नहीं कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, कोई सिम्टम नहीं था? नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, यानी आपने इसी प्रिकॉशन के लिए करवा लिया था? हाँ मैंने वो घर वाले ने सुनने को तैयार, भाभी तैयार ही नहीं सुनने को, ये तो इतना दिया ना तो करवा लो आप बस। ठीक है ठीक है। फिर एक मन के शांति के लिए मैंने वो किया तो उसमें पॉजिटिव आ गया। 30 तारीख को मालूम पड़ने के बाद शाम को फिर मैं रिचर्सन कुड़वास में मैं एडमिट हो गया। अच्छा रिचर्सन कुड़वास में हुआ लेकिन मेरे को फिर वो अच्छा ही नहीं लगा उधर, मैं उधर से निकल के। तो बट रिचर्सन कुड़वास तो ये क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ कोविड पेशेंट क्यों ऐड किए?
तो क्वारंटाइन आपको मेरे को बोले 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा क्योंकि आप नॉर्मल है सर। अच्छा सिम्पटोमेटिक नहीं है आप? हाँ तो ऐसा है करके। सिम्पटोमेटिक नहीं है आप? सिम्पटोमेटिक पेशेंट नहीं है? नहीं है करके वो उधर आपको तो मेरे को बोले उधर कुछ गोली नहीं दिया वो लोगों ने, भले पॉजिटिव बताया तो कुछ देना तो चाहिए ना। तो फिर मैं वहाँ से निकला और फिर सेंट जॉर्ज में एडमिट हो गया मैं। अच्छा सेंट जॉर्ज में एडमिट हो गया लेकिन वो उधर का माहौल देख के मैं थोड़ा डर भी गया था। किधर? सेंट जॉर्ज का? सेंट जॉर्ज में। क्या माहौल था? माहौल है ना उधर ऐसा गर्म पानी नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, लोगों का मैं सुन रहा था उधर कि डॉक्टर आते है वापस भाग जाते है ये वो, यानी आदमी एकदम यानी किसको बीमारी लगे भी नहीं। तो इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि उधर रहने के बाद इतना मुझे मालूम पड़ा कि अपने घर वाले सब रिश्तेदार है, सब दोस्त लोग है, सब है, सब अपने पास आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते। अपना उधर एक डॉक्टर नर्सेस और अपने माँ बाप बच्चे औरत ये अपना मोबाइल, मोबाइल से ही आप सबसे बात कर सकते, बाकी कुछ नहीं, बाहर जाना आना नहीं है, किधर नहीं कुछ नहीं, हिलना नहीं उधर से, इतना यानी बेकार हाल है ये कोरोना में। ये मेरा अभी जाने के बाद और मेरे जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैं ऐसा रुका हुआ, फर्स्ट टाइम उसमें ये वो रहने को मिला मेरे को ऐसा उधर। फिर मन के मन में मैं रोता था लेकिन बोला नहीं अपने को लड़ना है इसको, अपन क्या सब अपने पीछे ऊपर वाले का भी हाथ है, अल्लाह के हाथ है, गरीब लोगों का भी हाथ है, सबका हाथ है, तो अपने को इससे भगा के ही जाना है अपने को इसको कोरोना से। ऐसा करके मैंने उधर से फिर मेरे को ओकाड़ में मैं 2 तारीख को बराबर ओकाड़ में एडमिट हो गया आईसीयू में। हाँ ओकाड़ में हो गया तो 4 तारीख को मेरा टेस्ट किया वापस कोरोना का, दो टेस्ट किया उधर मेरा, दोनों भी बराबर मेरा 5 तारीख को 1 बजे उसका निगेटिव आया दोनों भी। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। और वो मेरे को बोलने से पहले कि आईसीयू आपको जनरल वार्ड में हम भेजेंगे करके क्योंकि आपका बॉडी पूरा फिट है अंदर से पूरा। वो तो आपका बॉडी है वैसे भी फिट है भाई, बिना देखे लोग अगर तुम्हारी फोटो देखेंगे तो फिट ही लगेगी निकाह। हाँ हाँ भाई आप लोग का दुआ है सब सबका जो फिट मेरे को लगा है, लेकिन मेरी जिंदगी में मैं फर्स्ट टाइम रुकता है, ऐसा नहीं करनी जिंदगी में रुका था, और मेरे आजू बाजू में है ही नहीं कोई खाली डॉक्टर की सिवा उधर। उन्होंने मेरे को हाँ बोलो ये एक बात जाननी थी, जो सेंट जॉर्ज में रखा था वो अकेले रखा था आपको के सबके साथ रखा था? सेंट जॉर्ज में हाँ जनरल वार्ड में ही था। तो मैं दूसरे और कोविड पेशेंट से है? पेशेंट मेरे बाजू में थे, एक बुढ़ी जैसी माँ थी वो यार वो मैं एक ही रात उधर निकाला लेकिन वो तीन रात भर उठी थी वो तकलीफ में, हाथ में उसको क्या मालूम उसका, वो लोग बोलते थे बाकी के लोग ये ऐसी करती है, और उसके हाथ में जो सलाइन जो लगाया था ना वो बार बार निकाल दी थी यार, तो उसके बाद में मेरे को ही पीट दिया था। उसके वजह से मैं थोड़ा डर गया था और उसके। अच्छा 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 हाँ तो एक रात तो मैं सोया ही नहीं देखने जाऊँ तो फिर आपको डिस्चार्ज कर दिया गया 5 तारीख को। 5 तारीख को बराबर मेरे को मैं इधर 8 बजे आ गया बिल्डिंग के पास। लोगों आपके आने के बाद क्या लोगों ने आपसे ये किया कि दूरी रखा कि भाई इसको कोविड लग गया इसके नजदीक मत जाओ, दोस्त बिरादर लोग ने कि नहीं यार छुआछूत किया आपके साथ? नहीं बाबा मैं अपने दोस्त लोग सब लोग 5-5 6 गाड़ी लेके आ रहे थे उधर क्योंकि ओकाड़ में गाड़ी की व्यवस्था नहीं है कोविड का पेशेंट को लेके जाने को नहीं है। उन्होंने मेरे को बताया आपको आपका गाड़ी का प्रबंध करना पड़े, मैं बोला ठीक है करके, तो मैंने वो सलमान करके है मुमीन वो सलमान को बोल दिया, तो साहब निकम साहब को बोल के तो सलमान बोला लेकिन मैं आता हूँ ना यार अपना भाई घर पे आ रहा है तो यार हमको तो खुशी है। लोग 6 बजे से आके खड़े थे, सलमान आके खड़ा था, सलमान मुमीन। एक तो रमजान का महीना था 7 बजे ये होता है बराबर है हाँ।
डॉक्टर है, तो मैं डॉक्टर को बार 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 बोल रहा था, क्योंकि वो काउंटर वाले थे जो नीचे टिफिन वाले, तो वो लोग ने लेट किया था। अच्छा। बोला यार वो लोग मेरे लिए बेचारे आए हैं, वो दिन भर फास्टिंग वाले हैं, उनको कुछ खाने को चाहिए क्या नहीं चाहिए, तुम्हारे वजह से वो बेचारे, मेरे को पाप लगेगा उसको। हाँ वो बेचारे 6 बजे से, आपने मेरे को बोला 6 बजे बोला तो मैंने 6 बजे बुलाया, तो उसने कम से कम 5-6 घंटा ऐसे ही गया मेरा, तो हो गया। तो मेरे दूसरे जवाहर भाई करके है, उन्होंने फिर उधर ही खजूर बिजूर सब उधर ही छोड़ दिया, रोजा वही छोड़ा ओकाड़ में, ओकाड़ के बाहर ही। क्या बात है, वेरी गुड। एंट्री अंदर है ही नहीं आता। हाँ वो तो पता है मुझे, मैं पता है। यानी तुम्हारे मुसलमान भाई लोग जो भी है वो लोग आपको लेने के लिए आए, और उन्होंने रोजा का भी उन्होंने फिक्र नहीं किया, और रोजा भी उन्होंने वही हॉस्पिटल के बाहर खोला। हाँ उधर ही हो गया रोजा, एक अच्छा हो गया, कम से कम तुम्हारे मुंह में तो आ गया, रोजा तो खुल गया आपका। वैसे तुम्हारी दोस्ती है वैसी नितिन भाई, हमको पता है। फिर क्या हुआ, फिर आप यहाँ पर आने के बाद घर वगैरह या यहाँ पर बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, जब मेरा ये जब 30 तारीख को हुआ ना, तो मैं जाने के बाद मेरा पूरा बिल्डिंग सैनिटाइजर हो गया। अच्छा 30 तारीख को। उसके बाद में सबका चेकिंग भी हुआ पूरा बिल्डिंग का, तो सब निगेटिव मिल गए इसमें सर। अच्छा, मतलब जो सिम्टोमेटिक रहता है उनको चेक करता, पूरी बिल्डिंग तो चेक नहीं कर सकता लोग? नहीं नहीं, पूरा घर घर में जाके किया। अच्छा, वो बुखार चेक किया है? हाँ बुखार चेक किया, उसके बाद में जो ऑक्सीजन होता है वो भी सबका चेक किया, तो उसमें सबका सब अच्छा निकले सब लोग। अच्छा, कल तुम्हारी हमने वीडियो देखा, बहुत इंस्पिरेशनल वीडियो है वो, कि 4 दिन में। जरा एक बार वो वापस डायलॉग मारोगे हमारे व्यूअर्स के लिए? जरा वो जो वीडियो है वो 4 दिन में डोंगरी का, बोलो ना जरा वापस। अभी सबको सबके दुआ से मैं जो आए हैं कोरोना को लाख मार के आया हूँ। 4 दिन के अंदर पूरा साउथ मुंबई का इधर भी कोई आया नहीं रहेगा इतना पेशेंट, वो मैं आया हूँ इधर डोंगरी का। क्या बात है, क्या बात है। हाँ अच्छा, अभी तो आपकी तबीयत सब ठीक है ना? अभी एकदम फ्रेश है, मैं अभी खिड़की में बात कर रहा हूँ। आपकी वीडियो, आपकी ये इंटरव्यू में दो चीजें क्लियर आई हुई है कि किस तरह एक इंसान कोरोना वायरस से लड़ सकता है। हाँ। ये आपने साबित कर दिया, हौसला हारना नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपने भाईचारे का जो एग्जांपल दिया आपने अभी अभी कहा, आपका सरनेम पूरा क्या है? मेरा नितिन रामचंद्र रेडकर। नितिन रामचंद्र रेडकर को लेने के लिए सैयद मोइन और उसके दोस्त लोग ने अपना रोजा हॉस्पिटल के बाहर खोला। ये दोनों एक सलमान मोमिन और वो अपना रोजा जो है अपने दोस्त को लेने के लिए, तो अपने दोस्त को लेने के लिए वो जवाद भाई और ये मतलब मामा मिया का जो ओनर है ना। हाँ हाँ, जवाद भाई। हाँ खास दोस्त है। अच्छा, वो भी आए थे, उन्होंने लेके आए। अच्छा, के लिए उधर। अच्छा, वो भी रुके थे 6 बजे से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वही बात वही है ना, देखो चाहे सलमान मोमिन हो, चाहे जवाद भाई हो, चाहे नितिन रेडकर हो, इसमें जात बात का बात नहीं है, इधर दोस्ती का बात है। यही आपने आपके आपके इस इंटरव्यू में दोनों चीज साबित हो गई है। नितिन भाई आपकी सेहत बहुत जल्द से जल्द ठीक हो और आप वापस लोगों के कामों में वापस आ जाए। अच्छा, इसके बाद एक और पूछना था, इसके बाद आप क्या लोगों को खाना बांटना बंद करोगे? नहीं नहीं, खाना तो चालू ही है हमारा, चालू रहेगा। नहीं नहीं, मतलब उतरने के बाद भी चालू ही रहेगा, मगर थोड़ा प्रिकॉशन से। नहीं नहीं, लेकिन मैं ऊपर से हैंडलिंग कर सक रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, अगर आप नीचे उतरोगे ना, तो आप अपने आप को थोड़ा फेस मास्क वगैरह और हाथ में ग्लव्स, मतलब थोड़ा प्रिकॉशन से अच्छा काम करो, ये नहीं अपनी जान खतरे में डाल के काम करो। ठीक है ना भाई? तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई गलीन से बात करने के लिए। ओके, थैंक यू।